हमारे YouTube फ्रेंड, मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना के आसाम फ्रेंड। देखिए आज मैं आपको दूध का रेसिपी जा रही हूँ बतलाने। देखिए फ्रेंड, मैं ये गोल्ड का ली हूँ, सुधा गोल्ड दूध। 1 केजी दूध से मैं आज आपको बताऊँगी मिठाई बनाना कैसे बनाया जाता है। सफ़ेद वाला मिठाई का रेसिपी जा रही हूँ फ्रेंड देने। देखिए 1 केजी दूध लेना है और दूध को पहले अच्छी तरीके से गर्म करना है। करने के बाद मैं इसका छेना निकालूंगी और छेना निकालने के बाद मैं उसका बना के आपको बतलाऊंगी कि कैसे बनाना है मिठाई, छेने का मिठाई। बहुत आसान तरीका से बताऊंगी फ्रेंड, ज़्यादा कोई झंझट नहीं। आ देखिएगा कितना अच्छा मिठाई आपका बन के तैयार हो जाएगा। घर में बना के 1 केजी दूध से आप अच्छा खासा मिठाई बना सकते हैं। कोई मिलावट भी नहीं है फ्रेंड, घर का बना हुआ है तो वो और भी अच्छा ही होगा। अब देखिए क्या करना है, मैं 1 नींबू ले ली हूँ और नींबू का रस मैं इसमें देखिए आराम से धीरे धीरे डालें और इसे हल्का हल्का ऐसे मिलाना है कि दूध बहुत अच्छा तरीके से आपका फट जाए। दूध हमें फाड़ना है फ्रेंड। और जब भी आप मिठाई बनाएं छेने का तो पैकेट वाला दूध मंगाएं फुल मिल्क, जिससे कि आपका जो छेना होगा फ्रेंड वो अच्छा निकलेगा। घर का दूध से तो उतना अच्छा छेना नहीं निकलता है क्योंकि उसमें थोड़ा ना थोड़ा तो पानी रहता ही है मिलावट। ये पैकेट वाला दूध का बहुत अच्छा छेना आपका निकलेगा। जब छेना अच्छा निकलेगा तो मिठाई भी आपका बहुत अच्छा बनेगा, क्वांटिटी भी मिठाई का थोड़ा ठीक ठाक रहेगा फ्रेंड। देखिए 1 नींबू मैं डाली थी, उससे भी मेरा नहीं फटा तो फिर मैं थोड़ा सा और नींबू ली हूँ नींबू का रस, और उसे इस तरीके से चलाते हुए छेना फाड़ लेना है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी जो आएगा फ्रेंड उसे भी थोड़ा सा प्रेस कीजिए कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। देखिए हमारा छेना कितना अच्छा निकल गया है। अब देखिए फ्रेंड, मैं 1 कटोरी छोटे कटोरी से जिसे दाल खाते हैं फ्रेंड उससे मैं 1 कटोरी चीनी ली हूँ, उसी से एक छोटे कटोरी से चीनी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बस अब इसमें मैं क्या करूँगी, 2 गिलास पानी डालूँगी, 2 गिलास पानी डालना है। और देखिए चीनी, अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची भी डालूंगी फ्रेंड, और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो आपका चीनी में है सो चिपचिपापन नहीं आएगा मिठाई में, इस कारण थोड़ा सा नींबू का रस डाला जाता है। और मैं इसमें 1-2 से 2-3 इलायची आप तोड़ के अच्छी तरीके से उसका चूरन बना के इसमें डाल सकते हैं, चाहे आप इलायची का पाउडर वो भी डाल सकते हैं या केसर हो फ्रेंड तो वो भी डाल सकते हैं, पर इलायची नॉर्मल सबके घर में मिल जाता है इसीलिए मैं इलायची ही आपको डाल के बताऊंगी। केसर सबके घर में नहीं होता है फ्रेंड, इसीलिए मैं आपको घर के एकदम घरेलू तरीके से बताऊंगी। देखिए अब क्या करना है, चीनी जब हमारा बहुत अच्छा तरीके से एकदम गल जाएगा तब फिर मैं छेना से आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। पानी इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्रेंड क्योंकि ये जो छेना का मिठाई है वो छाना नहीं तो जाता नहीं है, वो तो पानी में ही मैं इसको वो मिठाई बना के इसमें डाल के देखिएगा कैसे उबाला जाता है, जिससे कि आपका मिठाई बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, ये इलायची है, 2 से 3 इलायची ले लेना है। इलायची इसमें डाल के बहुत अच्छा तरीके से आप छोड़ दें कि आपका एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा इलायची का आपके मिठाई में। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा खोलता है, तब तक हम इधर बताते हैं कि छेना से हमें क्या करना है। देखिए ये छेना ली हूँ फ्रेंड, अब छेना से इसी तरह क्या करना है, इस तरीके से करके कम से कम 15 से 20 मिनट आप हाथ के तरक्की से पूरा आपको मलना है फ्रेंड, एकदम थोड़ा सा प्रेशर में कि आपका जो छेना हो उस वो बहुत मुलायम सॉफ्ट एकदम होना चाहिए मिठाई बनाने से पहले। इस तरीके से देखिए, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका छेना में जैसे गीलापन है चाहे थोड़ा सा सट रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हाफ चम्मच थोड़ा सा मैदा मिला सकते हैं। मैं कुछ मिलाई नहीं हूँ फ्रेंड, पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप मिला सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप छेना को तैयार कर ले, जब आप छू के देखिए अगर हाथ से आपको मुलायम लगे तो फिर आप इसमें देखिए इस तरीके से, अगर आपका ठीक बन जाए इसका गोला, अगर ना फटे तो समझिए कि आपका अच्छा बना है, अगर फट रहा है तो आप इसे फिर से एक बार अच्छा तरीके से थोड़ा देर इसे मले
कि इसका जितना अच्छा मलेंगे फ्रेंड वो उतना ही अच्छा इसका मिठाई सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होता है। देखिए तरह से कैसे मलना है, हाथ से एकदम कस कस के इस तरीके से मलना है। एक बड़े प्लेट में ले ले थाली में, और उसके बाद इसे इस तरीके से आप मले। जब तक आप जब भी छेना का मिठाई बनाए तो आपको ऐसे ही मलना होगा, क्योंकि मलिएगा तभी जाके आपका मिठाई बहुत अच्छा बनेगा। इस तरीके से देखिए कैसे मलना है। इस बार रक्षाबंधन में फ्रेंड मार्केट से नहीं, आप घर पे खुद ही बनाएं मिठाई। घर का बना हुआ मिठाई का तो बात ही कुछ और होता है, और खुद बना है तो आपको ये भी पता है कि आप क्या चीज़ से कैसे बना है। तो इस बार आप लोग ज़रूर अपने घर पे ही रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई ज़रूर बनाएं। देखिए मैं तो कितना रेसिपी मिठाई का दे चुकी हूँ फ्रेंड, आप वो भी देख सकते हैं। और देख के एक बार ज़रूर आप अपने घर पे बना के देखिए आपका मिठाई कितना अच्छा, कोई झंझट भी नहीं है। देखिए इसी में क्या है, कोई मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आपका मन लाए घर में बन जाएगा मिठाई। देखिए ये हमारा हो गया है तैयार छेना। ये मैं एकदम सॉफ्ट, देखिए आटा का गोला जैसा एकदम इसके हाथ से मल के इसे एकदम सॉफ्ट बना ली हूँ। 1 kg दूध का छेना फ्रेंड, इतना गोल्ड का दूध ली थी इससे इतना छेना हुआ है हमारा। अब हमारा उधर जो मैं इसका बना रही थी रस फ्रेंड चीनी वाला, वो भी हमारा रेडी होगा। अब देखिए क्या करना है, हाथ से इस तरीके से गोल गोल करके, अब गोल गोल करके इस तरीके से देखिए हमारा मिठाई। देखिए फ्रेंड ये अभी देखने में तो लग रहा है इतना छोटा, लेकिन जब ये मैं इसे पानी में डालूंगी और जैसे जैसे ये रस में स्टीम होगा वैसे वैसे इसका देखिएगा साइज भी कितना अच्छा बड़ा हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा सा मलने में ही जो मेहनत है फ्रेंड, छेना जो है छेना का मिठाई जो आपको थोड़ा सा हाथ से मलना पड़ता है उसी में जो थोड़ा सा मेहनत है, और नहीं तो कोई मेहनत नहीं है, घर में बन जाएगा। इतना आसान है बनाना, कोई मेहनत नहीं है, तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताई हूँ, ज़्यादा मैं कुछ इसमें आपको तामझाम तो नहीं बताई हूँ, बस हल्का सा मेहनत है हाथ से मलने वाला, वो अगर कर लीजिएगा तो आपका घर में अच्छा खासा मिठाई बना के आप तैयार कर सकते हैं। आ घर का बना हुआ मिठाई हो चाहे चीज़ हो, खुद अपने हाथ का बना हुआ चीज़ हो फ्रेंड, तो उसका बात ही कुछ और होता है, वो हमें स्वाद से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में खिलाने में। इसीलिए एक बार आप अपने अपने से खुद बना के देखिएगा, खा के देखिएगा कितना टेस्टी लाजवाब लगता है ये छेना का मिठाई आपका। देखिए इस तरीके से आप छोटा छोटा गोला बना ले। अभी तो मैं 1 kg दूध का बताई हूँ फ्रेंड, अगर आप कोई पर्व त्यौहार में बना रहे हैं तो थोड़ा सा दूध आप बढ़ा लीजिए, 2 लीटर ले लीजिए। 2 लीटर दूध में आपका अच्छा मिठाई बन जाएगा। अब मिठाई का साइज आप अपने ऊपर रखिए, अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बनाइए, छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बनाइए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाई हूँ, मैं मीडियम साइज बताई हूँ फ्रेंड। और ये देखिए जब ये रस में जाएगा स्टीम होगा, जब वह पूरा खोल जाएगा तो इसका साइज भी देखिएगा अच्छा खासा बड़ा बड़ा हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे सिंपल तरीके से बनाई हूँ बताई हूँ, आप लोग भी ज़रूर बनाएं अपने घर पे छेने का मिठाई। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, और आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी देने का। देखिए अब क्या करना है, ये रस हमारा स्टीम हो गया है फ्रेंड, तो आप इसे क्या करें, थोड़ा सा आप फ्लेम को इंडक्शन का कम कर दे डालते समय, डाल के थोड़ा सा कम ही करके इसे बनाना है। देखिए ये रस में जाते ही फ्रेंड ये देखिए कितना अच्छा इसका साइज हो गया, हल्का सा इसको ऐसे स्टीम कर दे अंदर घुसा के, देखिए रस में जाते ही कितना अच्छा बड़ा बड़ा साइज होने लगा है। ये अच्छा साइज आपका मिठाई का तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए कि हर दिन कुछ न्यू वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेके आती रहूँगी। देखिए फ्रेंड हमारा छेना का मिठाई कितना खूबसूरत लाजवाब लग रहा है देख के, क्या मेहनत था, कोई भी मेहनत नहीं था, बहुत जल्दी बनने वाला झटपट मिठाई। देखिए फ्रेंड ये हमारा मिठाई कितना खूबसूरत लग रहा है,
ये पानी में जब मैं इसका रस में डाली हूँ, डालने के बाद ये आपका देखिएगा मिठाई का कितना अच्छा साइज हो जाएगा, देखिए रेडी है। फिर मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करें।